मुख्यमंत्री की मां का मूर्ति स्थापित करने क्षेत्रीय विधायक से मिले भरदा ट के ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के बेहतरीन मुख्यमंत्री में से एक भूपेश बघेल ने किसानों की आय को नई दिशा देने के लिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जैसी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की। इस योजना से आज किसानों की आमदनी बढ़ रही है, साथ ही कई अन्य फायदे भी सामने आ रहे हैं। वहीं गांव से गोबर खरीदने का सीधा फायदा किसानों को होता हुआ नजर आ रहा है। जीता जागता उदाहरण आर्थिक रूप से समृद्ध होने वाले भरदा ट के किसानों ने फलस्वरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माताजी का मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसी सिलसिले में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गुंडरदेही विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह निषाद से मुलाकात कर बताया कि श्रमदान करेंगे और जो भी लागत होगी उसे ग्रामीण किसान मिलकर उठाएंगे। भरदा ट में जो नदी किनारे जो जगह है उनको ग्रामवासी चाहते हैं कि पर्यटन स्थल पे विकसित हो और उनकी मंशा है कि ये जगह पर्यटन स्थल पे घोषित हो। साथ ही माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की माता स्वर्गीय देवी के नाम से लोग प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, अपनी भावनाएं मुझ तक रखे हैं, तो मैंने इन्हें आश्वस्त किया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके आपकी भावनाओं से अवगत कराऊंगा। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हो जाते हैं तो निश्चित ही ग्राम की जनता जो विश्वास कर रही है हमारे प्रदेश के मुखिया की माता जी की मूर्ति की स्थापना जरूर उस मांग को पूरा हो। हमारे क्षेत्र के ग्राम भरदा ट में ग्रामीण द्वारा बहुत ही अच्छी एक सोच बनाई है उन्होंने, जो माटी पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की माता जी की प्रतिमा बनाने के लिए सभी गांव वाले लोग इकट्ठा हो चुके हैं और अपने पैसे से वो वहां मूर्ति बनाना चाहते हैं। और काफ़ी खुशी की बात है कि ऐसे पुत्र को जो जन्म देने वाली माँ है उनकी मूर्ति बनाने के लिए गांव वाले लोग जो सोच रखे हैं काफी अच्छा है। और साथ ही साथ विधायक जी का भी काफी छत्तीसगढ़ बालोद से दीपक देवांगन, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।